हैकर है भाई, हैकर है भाई साहब, इसको बोलते हैकिंग। तो और मेरे भाई लोग, आ चुके हम लोग वापस से और एक नए धमाकेदार गेम प्ले के साथ, जहाँ पे ये एक हाई किल गेम प्ले होने वाला है। और हम सीधे अभी जा रहे हैं इवेंट पे। आप देखो, नीचे उतरते ही खतरनाक गन फाइट शुरू हो जाती है। और भाई साहब, इस मैच में जो मेरे किल निकलते हैं, क्या ही कहने। तो चलो फटाफट से मारते पानी पे छलांग और बंदे को निपटाते। यहाँ पे पानी पे उतरने के बाद देखो चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तो सामने बंदे, पीछे बंदे, आगे बंदे। फटाफट से मुझे गन उठाना था, मैं यहाँ पे गन उठाने को दौड़ता था। अभी मेरे पीछे वाला बंदा भागता है कि भाई साहब गन मुझे मिल जाती है। अब देखो कैसे यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। ये पहला बंदा देखता है मुझे, इस बंदे को हेडशॉट देता हूं और फटाफट से मैं इसके पीछे भागता हूं, लेकिन ये बंदा हो जाएगा गायब। लेकिन कोई बात नहीं, देखो इसको मैं कैसे मारता हूं। मैं इस बंदे को ढूंढ ही रहा था कि कहां गया कहां गया। तभी जैसे मैं नीचे जाता हूं लूटने के लिए, तो मुझे हल्का सा फुट आता है कि ऊपर तो कोई आया है। तभी पता चलता है कोई रिकॉल हुआ है। तो देखो अब मुझे यहां पे वाटर गन मिल गई, तो अब कैसे इसको उड़ के मारेंगे। तो इसके तो इजीली निपटा दिया। अब बारी है टावर वाले की। यू टावर पे हमेशा बंदे चढ़ के बैठ के रहते हैं। अब देखो इसको कैसे, इसका तो टकला बजा दिया। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ मॉली करने का, जो कि बिना मतलब का था, मतलब कुछ होता ही नहीं मॉली से। लेकिन मेरा टीममेट यहाँ पे रिकॉल हो गया, मेरा किल कंफर्म कर देता हूँ। अब बारी थी दूसरे बारी की, जहाँ पे टीममेट का कॉल आया कि कोई तो बंदा है जो कि मंडरा रहा है आसपास। अब देखो उस बंदे को मैं स्पॉट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब इसकी बारी, डेंजर अहेड, डेंजर अहेड। निकल चलेंगे उनके तरफ। तो फिर लेट्स गो। धोड़ा बे काटने पुसे आज। अब मैं यहाँ पे आगे आता हूँ और बंदे स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। तभी सामने एक बंदा आता है, तो देखो बस। तो इसको तो मैं फिनिश कर देता हूँ फटाफट से। अब बारी थी और जो कि नीचे इधर जो बंदे थे भाई साहब, हमारे टीममेट ही उनको फिनिश कर देते हैं, क्योंकि हमारे टीममेट भी किसी से कम थोड़े थे। बंदे तो ढेर सारे थे, मतलब 8 बंदे कुल मिलाकर, जिसमें से एक किल मुझे अभी मिल जाएगा नॉक वाले का, यानी कि टोटल मेरे 7 किल हो चुके थे। और बंदे यहाँ पे थे बट कोई दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पे निपटारा करने के बाद, मतलब मेरे से निपटारा नहीं हुआ, मेरे टीममेट यहाँ पे वाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे सारे बंदे खत्म। अब हम चलेंगे ऊपर। तो जैसे मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पे पता चलता है एक बंदा तैर रहा है और किसी भी अपने टीममेट भाई साहब यहाँ पे लड़ रहे थे। तो मैं सोचा मैं पहले अपना किल कंफर्म करता हूँ, फिर उनके पास उनको स्प्रे दिया, नॉक करा। चलता है हमारे टीममेट अभी नॉक होने वाले हैं, क्योंकि पत्थर पर और बंदे थे। अब देखना मेरा स्प्रे यहाँ पे। तो एक ही स्प्रे में 2 नॉक। और यहाँ पे भाई साहब स्प्रे कैसा लगा प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हो तो। और मैं यहाँ पे फटाफट से प्लस कर लेता हूँ और इजी इनको खा जाता हूँ। अब बारी थी क्लियर करने की पूरे के पूरे लॉबी को, क्योंकि यहाँ पे क्लियर हो चुका है इवेंट। अब बारी अपार्टमेंट।
तो स्कूल वाले बंदे तो हो जाते हैं खत्म। अब बारी थी अपार्टमेंट वाले की, जो काफी देर से भाई साहब टैप टैप करके डैमेज कर रहा था हम दोनों तो वाले स्पॉट को। अब देखो उस अपार्टमेंट वाले का मेरा भी टैप टैप चला। अरे पीने पीवा देगी की ट्रेड की रे। तो इस बंदे को मारने के बाद अब फिर से तलाश में निकल जाते हैं और नए किल्स लेने के लिए। तो यहाँ पे सामने पता चलता है कि स्क्वाड हाउस में बंदे हैं। अब देखो इनकी बारी और एक गाड़ी वाला स्प्रे मजा आ जाएगा देख के। तो इस बात को लाइक सब्सक्राइब कर। गाड़ी में से दो बंदे को यूएमपी से गिराया और एक बंदे को M4 से। अब बारी थी लास्ट बंदे को मारने की, क्योंकि यहाँ पे मेरा U1V4 था। तो फिर तो यहाँ पे ये क्लच देख के कैसा लगा गाइस? अगर अच्छा लगा हो ये क्लच प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना। बोलना मत भाई साहब, बहुत बार बोल रहा हूँ, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर ये स्प्रे अच्छा लगा हो तो। अब देखो आगे की बारी। तो यहाँ पे मैं दोनों किल अपने नाम कर लेता हूँ और इसी के साथ मेरे 19 किल्स हो चुके हैं। जैसे ही वहां से आगे बढ़ते हैं हम, तभी पता चलता है यहाँ पे एक गाड़ी मुझे दिखती है और यहाँ पे रहता बंदा। अब देखो उस बंदे को कैसे गिराता हूँ। तो इस बंदे को खत्म करने के बाद सीधा हम लोग पहुंचे कि आ जाते, क्योंकि यहाँ पे चल रही थी गोलियां। अब सामने मुझे दो बंदे दिखे थे जिसको स्पॉट करने में थोड़ा सा मुझे देरी हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। डेंजर है, डेंजर है। बैठो बैठो बैठो। एक नंबर कहाँ गया? मेरे पीछे है और रुइंस वाले कंपाउंड के साइड पे गया है। डेंजर है, डेंजर है। तो पोचिंग की खाली करने के बाद हम लोग अब सीधा जाने वाले हैं रिसॉर्ट के, जहाँ पे एक हमारे टीम शहीद हो जाते हैं। बहुत लेट हो गया। जैसे इस बंदे को निपटा देते तभी एक स्टिंगरे हमारे सामने से गुजरता है। अब इसकी बारी। फट जाएगा। जैसे मैं एक बंदे को गिराता हूँ फटाफट से अंधा रस कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए था किल। और मैंने सोच रखा था इसको तो मैं भाई कंफर्म करके रहूंगा, तब तक इसका रुका टीममेट स्विमिंग पूल पे रुका है, भाग जाता है यहाँ से। लेकिन कहाँ भाग के जाएगा, उसको भी मैं ही मारने वाला हूँ। डेंजर है, डेंजर है। अरे भाई साहब, इस बंदे ने कोशिश तो अच्छी करी थी पर नाकामयाब रहा। अब दूसरे बंदे की बारी। यहाँ पे अग्नि जलती हुई दिखती है। इधर ही है। मछली भी आ रही है, मछली आ रही है। एक बैलकनी में है। और एक बंदा है शायद। तुम भी उड़ जाओ। कोई एक तो मॉली वॉली कर रहा है यार तुम लोगों पे। डेंजर है, डेंजर है।
अभी लंका लग जा रही थी इसकी। सच में लंका तो लग गई है पूरी पूरी लॉबी की। यहाँ पे एक बंदा दिखता है मुझे, अब इसकी बारी। और मेरे यहाँ पे 28 किल थे तो 2 किल पे 30 हो जाएगी। इजीली हेडशॉट के साथ इसको निपटाया। अब बारी थी लास्ट बंदी की, उसको भाई साहब हर जगह ढूंढता हूँ कहीं नहीं मिलता है। लेकिन भाई साहब देखना वो कहाँ छुपा बैठा रहता है, स्पाइडरमैन और जमीन पे रेंग रहा है। तो भाई साहब पूरा इलाका छान मार लिया हमने स्टिंगरे से, हर जगह ढूंढ लिया लेकिन बंदा कहीं नहीं मिला। तो फाइनली एक अंदाजा था कि भाई साहब पानी के अंदर ही छुपा बैठा होगा, तभी मैं पानी के अंदर घुसता हूँ। अब देखना वो बंदा स्पॉट हो जाता है। अब ये किल हमारा है, ये स्पॉट हुआ बंदा। अब देखो फटाफट से मारता हूँ, कहीं डरता कि अपने टीममेट ना किल ले ले। तो फिर लास्ट किल क्या दिख गया, जाके मारो। और इसी के साथ गाइस हाई किल गेम प्ले कंप्लीट। काफी खूबसूरत था ये गेम भाई साहब, मजा आ गया। 73 किल्स टोटल हमारे हो जाते हैं यहाँ पे पूरी स्क्वाड की। तो मजा आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही गेम प्लेस के साथ, और जाते आते शेयर भी कर देना भाई अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब। 67 और 6 मतलब 60 74 अराउंड 73।